हेलो दोस्तों, मैं हूं अमन गुप्ता एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि मैंने थार क्यों ली और क्या पर्पस था और थार के फीचर्स बताए थे, स्पेसिफिकेशन बताए थे। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। नहीं लगा हो, नहीं देखा हो तो फिर से जाके देखना वीडियो, मैं आई बटन में लिंक डाल दूंगा, जरूर से जाके वीडियो भी देखना। और आज हम बात करेंगे जो मैंने मेरी थार में मॉडिफिकेशन कराएं, क्या क्या मॉडिफिकेशन कराएं, क्या क्या कॉस्ट रहा है मॉडिफिकेशन का, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा उन चीज़ों का। तो जानने के लिए जरूर जरूर क्या क्या मॉडिफिकेशन, कितने कितने कॉस्ट करा, वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं जल्दी गाड़ी के साथ में, देखते रहिए। तो ये हमारी थार, इसके फ्रंट प्रोफाइल की बात करूं, फ्रंट में मैंने क्या क्या मॉडिफिकेशन कराए हैं। तो फ्रंट में सबसे पहला मॉडिफिकेशन जो आप लोगों को नजर नहीं आ रहा होगा, जो थोड़ा सा इलीगल मॉडिफिकेशन आप कह सकते हो, कि मैंने जो इसका फ्रंट वाला ग्लास है वो टेंट करा रखा है, वो अप्रॉक्स 50% टेंट के साथ में है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये जो इसके ऊपर फिल्म लगी हुई है, ये 50% टेंट के साथ में है। गर्मी के कारण मैंने इस गाड़ी में फिल्म लगवा रखी है फ्रंट में, कि ज्यादा हीट ना आए। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इसके जो इंडिकेटर्स और DRLs हैं, ये मैंने ब्लैक रैप करा रखे हैं, जिसके कारण इसका देखने में रात को लुक बहुत अच्छा आता है। जब DRLs ऑन होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा स्टनिंग लगते हैं। फ्रंट में बात करूँ तो इस गाड़ी में दो फ्रंट पार्किंग सेंसर मैंने इस गाड़ी में लगवा रखे हैं। फ्रंट पार्किंग सेंसर मैंने कंपनी से लगवाए थे, तो मुझे कॉस्ट करे थे समवेयर अराउंड 3500 के। ये वाला जो पैक है, ये हो गया आपका एक दो, ये साइड क्लैडिंग हो गई आपकी, ये वाला पार्ट हो गया, ये सब मैंने कंपनी से ऐसे एसेसरीज पैक लिया था, तो वो मुझे वहाँ पे उनका कॉस्ट किया था करीब 10,000 के अप्रॉक्स वहाँ पे मुझे कॉस्ट किया था। साइड प्रोफाइल की बात करें तो ये जो आपको साइड मिरर है, ये इसी फिनिश में देखने को मिलता है। यहाँ पे मैंने ये ग्लॉस फिनिशिंग के लिए ये थार का ये लगवा रखा है यहाँ पे इस पे। रेन वाइजर्स मैंने ये बाहर से लगवाए थे, ये कंपनी फिटेड मैंने नहीं लगवाए थे, क्योंकि कंपनी वाले के पास जो थे उसमें इसमें सिल्वर लाइनिंग देखने को मिलती थी, तो मुझे सिल्वर लाइनिंग नहीं चाहिए थी, सिल्वर क्रोम फिनिश नहीं चाहिए था, तो मैंने ये कंपनी से नहीं लगवा के बाहर से लगवाया। तो बाहर से मुझे रेन वाइजर कॉस्ट किए थे अप्रॉक्स 800 रुपीज़ के। रियर प्रोफाइल की बात करूँ तो रियर में मैंने कुछ ज़्यादा नहीं लगवाया, ये मैंने बाहर से लगवाए थे। ये जो आपको रियर टेल लाइट्स के कवर मिल रहे हैं, ये करीब 1200 अप्रॉक्स पड़े थे, और इस पर भी मैंने ये थोड़ा सा इसको टेंट करा रखा है, तो ये भी देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। रिवर्स पार्किंग कैमरा मैंने कंपनी से लगवाया था, तो कंपनी का करीब शायद मुझे 3,000 या 4,000 रुपये का कंपनी से वो रिवर्स पार्किंग कैमरा पड़ा था। और सबसे एक सबसे बड़ा मॉडिफिकेशन जो मैंने इस गाड़ी में कराया है, मॉडिफिकेशन कह लो या सेफ्टी पर्पज से कह लो, वो है इस गाड़ी पे PPF। मैंने इस गाड़ी पे कंप्लीट ग्लॉस PPF करा रखा है। PPF का वीडियो मैंने अलग से डाला हुआ है, उसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा। मैं आपको दिखाता हूँ आपको कैसे देखेगा इस गाड़ी में PPF करा हुआ है। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये PPF का लाइनिंग आपको दिख रहा होगा, बट आपको पता नहीं चलेगा कि इस गाड़ी पे PPF लगा है। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने PPF कराया था, उसका वीडियो मैं आप लोगों को आई बटन में डाल दूंगा, PPF का वीडियो जाके देख लेना। तो PPF मुझे कॉस्ट किया था करीब करीब 60,000 का, जो मैंने डिटेलिंग स्ट्रीट से PPF कराया था वो 60,000 का PPF था, और 5 ईयर्स की कंप्लीट उस पर वारंटी मिली थी मुझे। तो PPF गाड़ी के लिए वर्थ है, क्योंकि ऑफ रोडिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो स्क्रैचेस वगैरह आते हैं गाड़ी से गाड़ी पे, तो वो बहुत ही ज़्यादा आपको सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। तो ये था एक्सटीरियर मॉडिफिकेशन, जो बहुत ही बेसिक एक्सटीरियर मॉडिफिकेशन मैंने कराए हैं। इंटीरियर मॉडिफिकेशन की बात करूं तो मैं आपको दिखाता हूं कि ये जो स्टैंडर्ड CTK की डैम्पिंग करा रखी है मैंने, तो ये पूरी गाड़ी के अंदर डैम्पिंग हो रखी है, पूरा नीचे का सीट्स वगैरह ओपन करे थे। मैं आपको पिक्चर्स इस गाड़ी में दिखा दूंगा, मैं आपको वीडियो में पिक्चर्स अटैच कर दूंगा, तो आपको देखने को मिलेगा कि जब पूरी गाड़ी खुली थी और इस पर CTK का प्रोफेशनल मैंने डैम्पिंग कराया गोल्ड सीरीज का। इस गेट में अंदर के साइड भी सब जगह डैम्पिंग हुआ हुआ है, तो बहुत ही ज़्यादा उस डैम्पिंग का इफेक्ट ये है कि आपको रोड नॉइजेस बहुत कम ही गाड़ी के अंदर आपको देखने को मिलती है, गाड़ी अंदर से बहुत ही ज़्यादा साइलेंट चलती है। इंटीरियर मॉडिफिकेशन की बात करें तो इंटीरियर मॉडिफिकेशन में मैंने ये सनशेड्स लगवा रखे हैं। ये सनशेड्स मैंने कंपनी से ना लेके बाहर से लिए हैं, क्योंकि बाहर से ज़्यादा मुझे ये 5 पीसेस का सेट मिला था। ये 5 पीसेस का सेट का रेट मैं आपको अटैच कर दूंगा, स्क्रीन पे आपको रेट दिख जाएगा,
क्या रेट था, तो मैं सभी चीज़ों का आपको रेट इसमें स्क्रीन पर फ्लैश कर दूंगा। तो ये मैंने बाहर से इसलिए लिया क्योंकि ये थोड़े डार्क वाले मुझे बाहर से ही मिल रहे थे, कंपनी में डार्क वाले नहीं मिल रहे थे, तो मैंने इसके कारण बाहर से लिए। ये सीट कवर्स मैंने बाहर से लगवाए हैं ऑटो फोन के, मुझे बकेट फिटिंग सीट कवर्स मिले हैं। ये मुझे ऑटो फर्निश का 7D मैट्स लगवाए हैं। स्टेयरिंग कवर OEM स्टाइल में रैप जिगजैग पैटर्न में आपको रैप स्टेयरिंग कवर मैंने लगवाया है इस गाड़ी में। रियर पे भी देखिए सीट कवर्स कितने अच्छे फिनिशिंग के साथ में आपको सीट कवर मिल जाते हैं। ये दो कुशंस का सेट, दो कुशंस और दो नेक पिलोज का सेट मैंने अमेजन से मंगाया था। इसका भी रेट मैं आपको स्क्रीन पे बता दूंगा। बोनेट के हुड में मैंने डैम्पिंग करा रखा है, उसका पिक्चर मैं आपको अटैच कर दूंगा और उसका भी प्राइस आपको स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ बेसिक से मॉडिफिकेशन मैंने इस गाड़ी में कराए हैं। इन सभी का रेट का मैं एक स्क्रीन पे आपको डिटेल डाल दूंगा कि क्या क्या चीज़ें मुझे कितने कॉस्ट के पड़ी थी, तो सारी चीज़ें मैं आपको स्क्रीन पे फ्लैश कर दूंगा और फिर प्राइसेस मैं आपको बता दूंगा कि मुझे क्या क्या चीज़ कितने की कॉस्ट करी है। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा कि क्या मॉडिफिकेशन कितने के पड़े हैं और क्या क्या एक्सपेंसेस हुए हैं और क्या क्या बेसिक नेसेसरी मॉडिफिकेशन मैंने अभी तक कराए हैं। कोई एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन मैंने नहीं कराया, जो मुझे लगा कि नेसेसरी है वही मॉडिफिकेशन मैंने इस गाड़ी में कराया है। तो यहाँ पे मैं सभी जो मॉडिफिकेशन कराए हैं उसके प्राइजेस इंक्लूड कर रहा हूँ और मॉडिफिकेशन का लिस्ट एक इंक्लूड कर रहा हूँ, तो इसको अच्छे से मतलब आप लोग देख सकते हैं क्या क्या मॉडिफिकेशन कितने कितने कॉस्ट का मुझे पड़ा था। तो पूरा मॉडिफिकेशन का सारे जितने भी मॉडिफिकेशन है, 7 से 8 मॉडिफिकेशन सभी मैंने इसमें लिस्ट करी हैं, पर पीसेस मतलब जो सेट है वो कितने पीसेस का कैसे कैसे रहा है, तो वो पूरा ही लिस्ट इसमें है, आप लोग इसे देख सकते हैं अच्छे से। तो आई होप आप लोगों को जानकारी मिल गई होगी कि मैंने मॉडिफिकेशन क्या क्या इस गाड़ी में कराए हैं। मॉडिफिकेशंस के मैं आपको डिटेल जहाँ से मैंने ये गाड़ी की एसेसरीज वगैरह ली है, जिसमें सीट कवर, मैटिंग, डैम्पिंग, ये सब चीज़ें कराई है। चोपड़ा कार डेकोर का मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, वो भी मैं इसमें अटैच कर दूंगा आई बटन में, लिंक जरूर से जाके देखिएगा। एड्रेस भी मैं आपको शॉप का मैंशन कर दूंगा, विद प्राइसेज आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएंगे सारी ही चीज़ों के। एंड मैटिंग सॉरी PPF जो मैंने जहाँ से करा है डिटेलिंग स्ट्रीट, उसका भी डिटेल मैं आपको वीडियो बना चुका हूँ, वो आपको आई बटन में देखने को मिल जाएगा, जरूर से जाके देखिएगा। और उसका भी डिटेल कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर दूंगा। किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर से दबा देना। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।